इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपेश। छत्तीसगढ़ शुक्रवार को पूरी तरह से सुर्खियों में रहा और इसकी एक नहीं बल्कि दो वजह रही। दरअसल प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने जहां अपना पहला बजट पेश किया तो वहीं विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंचे। बजट सत्र होने की वजह से सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी का स्वागत करने भी नहीं पहुंच पाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर खेद भी जताया। एक तरफ रायगढ़ में मोदी हुंकार भर रहे थे तो दूसरी तरफ रायपुर में मुख्यमंत्री बघेल बजट सत्र के पहले दिन बजट पेश कर रहे थे। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट हो रहे विपक्ष को मोदी ने महामिलावट बताते हुए कहा कि इसमें एंट्री का सिर्फ एक मानक है कि कौन मोदी को कितनी ज्यादा गाली दे सकता है। उन्होंने राज्य की नई सरकार पर भी जनता विरोधी फैसले लेने और भ्रष्टाचार को छिपाने के आरोप लगाए। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा में मुख्यमंत्री बघेल ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपनी सरकार का बजट पेश करते हुए हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। करीब 95,000 करोड़ के बजट में बघेल सरकार ने किसानों का खास ख्याल रखा। कृषि बजट के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया। इसके अलावा गरीबों, युवाओं के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने खजाना खोलने में कोई कंजूसी नहीं बरती। हालांकि अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में इस बजट को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष को तो नई सरकार का बजट बिल्कुल भी रास नहीं आया। ऐसे में जनता मांगे जवाब में आज चर्चा बजट बदलाव वाला के मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। प्रदेश की नई सरकार का ये बजट किसान, गरीब की समृद्धि, गांव की खुशहाली, स्वास्थ्य सुविधाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के हिसाब से माना जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार ने अपने चुनावी वादों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया। इसमें किसान कर्ज माफी, बीपीएल धारकों को अनाज और बिजली बिल हाफ करने जैसी कई घोषणाएं की गईं। लेकिन ये बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और इस भारी भरकम बजट से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह से मैनेज करेंगे, इस पर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देखते हैं बजट से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। बघेल सरकार का पहला बजट पेश, किसानों के लिए खोला खजाना, कर्ज माफी, समर्थन मूल्य और बोनस की सौगात, फूड फॉर ऑल और बिजली बिल हाफ, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी बढ़ाए कदम। बड़ा सवाल, क्या भारी भरकम बजट से सरकारी खजाने पर नहीं पड़ेगा असर? क्या बजट में प्रावधान करने से हो जाएगा सबका भला? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। बघेल का ये बजट विशेष तौर पर किसान और गरीब पर केंद्रित रहा। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक निधि की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा की। हमारी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा बांटे गए अल्पकालीन ऋण को भी माफ करने का फैसला लिया है। बजट में किसानों के कृषि ऋण माफ करने के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना में 2500 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि ऋण की माफी के साथ साथ किसानों को राहत देने के लिए 207 करोड़ का बकाया सिंचाई कर भी माफ करने का सरकार ने निर्णय लिया है। घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ करने की दृष्टि से विद्युत देयकों के 400 यूनिट तक विद्युत व्यय भार पर आधी छूट का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया गया है। इस छूट से
ये छूट का लाभ 1 मार्च 2019 से दिया जाएगा और उपभोक्ताओं को अप्रैल माह में मिलने वाले बिजली बिल पर आधी छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट में 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अवधारणा के अनुरूप आगामी वर्ष से बेहतर व्यवस्था वाली स्वास्थ्य योजनाओं को लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता अधोसंरचना निर्माण से आगे बढ़ते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। जनप्रतिनिधियों को उनके विधानसभा क्षेत्र विकास के लिए अधिक जवाबदेही के साथ काम करने का अवसर देने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का निर्णय लिया। बघेल सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बजट में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। वहीं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को हर महीने 35 किलो चावल देने का ऐलान भी सरकार ने किया। इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भूपेश बघेल ने सरकार के सूत्र वाक्य नरवा गरवा घुरवा बारी के जरिए गांवों की तरक्की के लिए भी बजट में प्रावधान रखा है। इसमें गांव के लोगों को रोजगार मुहैया कराने, इसे मनरेगा से जुड़ा गया है, मतलब किसानों के साथ साथ गांव और गांव वालों की तरक्की के ढेरों प्रावधान बजट में हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने अपना एक और बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए बजट में बिजली बिल हाफ कर दिया है। उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ होगा। इसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट की बड़ी बात ये भी है कि इसमें किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। देखा जाए तो भूपेश बघेल ने अपने बजट से हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। हालांकि ये बजट विपक्ष को रास नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत तमाम भाजपाइयों ने बजट को निराशाजनक बताते हुए इसे छत्तीसगढ़ के विकास को पीछे ले जाने वाला बताया है। इधर मुख्यमंत्री बघेल ने विपक्ष के वार पर फौरन ही करारा पलटवार भी किया। लोगों को भुलावे में रखने वाला बजट है, छत्तीसगढ़ के विकास को पीछे ले जाने वाला बजट है, क्योंकि इसमें सड़कों के लिए बजट नहीं बढ़ाया गया, सिंचाई के लिए बजट नहीं बढ़ाया गया। मैंने आज तक 15 साल से बजट पेश कर रहा हूँ, उसके पहले 3 साल कांग्रेस की सरकार के बजट भी देखा, मगर मुझे लगता है 18-19 साल में इतने निराशाजनक बजट मुझे कभी देखने को नहीं मिला। देखिए, केवल हमने घोषणा की थी कि हम किसानों के ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपया देंगे, उतने में तो 15 सीट में आ गए हैं। अब उसको हम क्रियान्वित कर रहे हैं तो ये लोग तो लोकसभा में जीरो हो जाएंगे। सरकार ने अपने बजट से हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। बघेल के इस बजट को अगर लोकसभा का चुनावी बजट कहें तो ये गलत नहीं होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निश्चित तौर पर किसानों और गरीबों के लिए सरकारी खजाने के दरवाजे खोले हैं, लेकिन सवाल है कि क्या भारी भरकम बजट का असर सरकार के खजाने पर नहीं पड़ेगा। खैर, अब देखते हैं सरकार ने बजट में जो बड़े ऐलान किए हैं उससे प्रदेश की जनता का कितना भला होता है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट में कृषि किसान का खास ख्याल रखा। कृषि बजट के लिए सरकार ने 21,597 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसमें 2500 रुपए की दर से सरकार धान खरीदेगी, इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सीएम बघेल ने नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी 300 करोड़ का प्रावधान किया है। महानदी परियोजना के लिए 216 करोड़ रुपए, लघु सिंचाई परियोजना के लिए 524 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार ने ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के साथ व्यावसायिक बैंकों द्वारा बांटे गए अल्पकालीन कृषि ऋण को भी माफ करने का फैसला लिया। इसके लिए भी 5000 करोड़ का प्रावधान है। 5 HP के कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली देने का फैसला हुआ है। इसके लिए 2164 करोड़ का प्रावधान हुआ। 5 नए फूड पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। 13 लाख किसानों के लिए 207 करोड़ रुपए सिंचाई की बकाया सिंचाई राशि भी माफ की जाएगी कर की। और कन्यादान योजना की अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। इसके अलावा दिव्यांगों जनों के विवाह के लिए अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 की गई है। अलावा इसके 5 नए फूड पार्क की जो हमने जानकारी दी। इसके अलावा पुलिस बल में 2,000 जॉब क्रिएट की जाएंगी और इनके भत्ते बढ़ाए जाएंगे। शिक्षा जगत में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को हर महीने 1,200 की जगह 1,500 रुपए मानदेय मिलेगा। तो ये कुछ अहम बातें, और अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम अपने विशेषज्ञों के जरिए, और दोनों ही दलों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस पर भी
हम चर्चा करेंगे। तो बघेल सरकार का बजट अच्छा है, खराब है या फिर औसत है, इसमें क्या कुछ खास है और क्या खामियां हैं, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर से छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल जुड़ चुके हैं। उनके साथ एक खास पैनल भी मौजूद है जो बघेल के बजट की हर बारीकी को बताएगा। ओवर टू यू मनोज जी। जी दीपेश, आज भूपेश सरकार का पहला बजट पेश हुआ है विधानसभा में और इसमें मुख्य तौर पर पूरे बजट को देखने में ये बातें सामने आती है कि जो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो जो वादे किए थे उसको पूरा करने की दिशा में ये पहला कदम सरकार ने उठाया है। किसानों के लिए बजट में काफी कुछ है, 21,000 करोड़ रुपए कृषि विकास के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए भारी भरकम बजट रखा गया है और कोशिश की गई है समाज के सभी वर्गों को साधने की, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं और ये माना भी जा रहा था कि बजट लोक लुभावन होगा। तो निश्चित तौर पर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट है और इसमें खास तौर पर किसानों को फोकस करते हुए ये बजट बनाया गया। चूंकि मैं भी एक किसान पुत्र हूं और मेरा अपना नजरिया इसमें यह है कि जो धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल हुआ है वो बहुत स्वागत योग्य है। जो अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किए गए हैं सरकार की ओर से वो स्वागत योग्य है और ये जो दो बड़ी घोषणाएं हैं इन दोनों घोषणाओं से मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत फायदा है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी है, मैं सबसे पहले दर्शकों का उनसे परिचय करा दूं। मेरे दाईं ओर हैं पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी, साथ में कम्युनिस्ट नेता धर्मराज महापात्रा जी हैं, शिक्षाविद सैयद फाजिल जी हैं। इसके अलावा मेरी बाईं ओर हैं गजेंद्र चंद्राकर जी जो कृषि वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी। आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं चलूंगा कृषि वैज्ञानिक हैं गजेंद्र चंद्राकर जी उनके पास। आप बताइए कैसा लगा किसानों के लिए ये बजट खास तौर पे? देखिए कि ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होने के बाद ये सब पहला अवसर है जब कुल बजट का इतनी बड़ी प्रतिशत राशि 21,957 करोड़ की राशि कृषि के लिए दी गई है, यह स्वागत योग्य है। इसमें कर्ज माफी, समर्थन मूल्य में धान खरीदी और उसके साथ साथ जो अलाइड सेक्टर है, बकरी पालन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, सोयाबीन उत्पादन प्रोत्साहन योजना है, गन्ना के लिए बोनस का मामला है, ऐसा करके एग्री अलाइड सभी सेक्टर को मिलाकर जो बनाया गया है। और हमेशा आप देखेंगे कि किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसका एक अध्ययन का रिपोर्ट है कि 2004 के बाद से लेकर 2013 और 14 तक जो धान का उत्पादन बढ़ने के बाद भी उसमें किसानों को लाभ लगातार कम होते गया। तो 2004 से लेकर 2014 तक जब किसान उत्पादन करने की हर तकनीक अपनाने के बाद उनको लाभ कम होने लगा तो ऐसा चिंता प्रकट की गई और उस चिंता को लेकर उस पर कुछ निर्णायक भूमिका निभाई है जिस सरकार ने। और 2500 रुपये समर्थन मूल्य, हमेशा किसानों का कहना यह था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारे उत्पादन का लागत वास्तविक लागत मूल्य मिल जाए तो हम किसान जो है हम उसके अपना समृद्धि का रास्ता खुद तय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह जो बजट है वो समृद्धि कारक है किसानों के लिए और एक किसान पुत्र होने के नाते, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक होने के नाते समस्त किसानों के तरफ से हम इस बजट का स्वागत करते हैं और राज्य सरकार को हम धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट का प्रावधान किया है। और ये बजट लगातार इतना ही सेगमेंट कुल बजट का किसानी के लिए हर साल रहे, ऐसा नहीं कि केवल कर्ज माफी है करके हम बहुत बड़ा बजट का हिस्सा किसानों को दे रहे हैं करके, ये बजट आने वाले 5 साल तक लगातार बने रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ। ग्रामीण विकास पे भी काफी ध्यान दिया गया, खासतौर पे जो नारा था कांग्रेस का नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी, ये कांग्रेस के चार चिन्हारी, इस दिशा में कैसे देखते हैं बजट को? देखिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ये ग्रामोदय का प्रमुख उद्देश्य रहा है जो ग्रामीण विकास के लिए एक समग्र विकास की चिंतन की परिकल्पना को लेकर ये चला जा रहा है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो मिट्टी का कार्य है, नाला बंधान करने का काम है और जो गौठान उसके लिए और चारागाह की व्यवस्था के लिए एक समग्र चिंतन के लिए यह नारे और जो बनाए गए हैं वो तो बहुत अच्छा है, पर
एग्जीक्यूशन किस फेस में होगा? क्या हर गांव में जो 3 एकड़ जमीन आरक्षित की जा रही है उस पशु की जनगणना और कुल संख्या के आधार पर क्या 3 एकड़ चारागाह के लिए पर्याप्त होगा गौठान के लिए? क्या केवल एक निश्चित प्रतिशत भूमि उस गांव, तो हमको उस गांव के कुल सेंसस पे जाना चाहिए कि कुल पशु की संख्या कितनी है, इसके आधार पे 3 एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी कि 5 एकड़? तो कुल मिलाकर अभी एग्जीक्यूशन फेस में सरकार कैसे उसको एग्जीक्यूट करती है, समग्र चिंतन का कॉन्सेप्ट है नरवा गरवा घुरवा बारी। और जो मनरेगा के तहत जो 1,457 करोड़ के आसपास राशि इस पे आरक्षित की गई है एक प्रकार से, वह निश्चित ही स्वागत योग्य है। अब इसमें क्रियान्वयन किस दृढ़ता से होता है यह भविष्य पे ही निर्भर करता है सर। चलिए अब हम पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी से बात करते हैं। आपने हाल ही में एक बात उठाई थी कि किसानों के से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं करने के कारण ही हमारी ये दुर्गति हुई है, या यूं कहें या हम हारे हैं और 15 साल बाद सत्ता से दूर हुए हैं। अब जबकि ये बजट देखने में ऐसा है किसानोन्मुखी है, ग्रामीण विकास पर आधारित है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो वादे इन्होंने किया था, जिस वादे का हमने जिक्र किया, वो वादा अभी भी इसमें पूरा नहीं हुआ है। आपने 21,000 करोड़ की बात आप हम सब सुन रहे हैं, उसमें जो पिछले 2 साल का रुका हुआ बोनस था जो जन घोषणा पत्र में उसका शामिल किया गया, बहुत जोर शोर से उसका प्रचार हुआ था कि हम रुका हुआ बोनस देंगे, उसका इस बार में कोई जिक्र नहीं है। वो रुका हुआ बोनस कब देंगे, 5 साल बाद देंगे कि इस दरमियान देंगे? तो ये वादा खिलाफी तो इनकी भी है, और उसी के मुद्दे को लेकर हमने कन्फेस किया, ऐसा नहीं है। तो आप उसको देना चाहिए था, और ऐसी स्थिति में जब आप बैकलॉग की बात कर रहे हैं तो बैकलॉग को तो पहले बजट में देना चाहिए। देखिए मनोज जी, बजट और गजट में अंतर होता है। आप पूरी तरीके से जनघोषणा पत्र की तरह उसको लागू नहीं कर सकते हैं। उस बजट में कल्पनाशीलता चाहिए, गतिशीलता चाहिए, लोगों के जो ऑप्टिमिज्म है उसको आपको समावेश करना पड़ेगा। ये बड़े तादाद में महिलाएं हैं, युवा हैं, उसकी भी हमको चिंता करनी है। युवाओं के लिए कोई बहुत प्रावधान तो इसमें दिखता नहीं है। 2,500 प्रति बेरोजगार के लिए बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई थी, यदि आप जन घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं तो। लेकिन इस संबंध में सीएम से बात हुई है, उन्होंने कहा था कि हमारा जन घोषणा पत्र 5 साल के लिए है। आप लोगों के समय भी ये बातें उठाई जाती रही है कि बोनस क्यों नहीं दे रहे हैं, तो पहले शासनकाल में ये कहा गया कि हमने 5 साल के लिए थोड़ी कहा था, फिर उसके बाद 5 साल के लिए आया, लेकिन फिर वही हुआ था। देखिए, हम क्या किए क्या नहीं किए वो तो सामने है, लेकिन चूंकि नई सरकार का पहला बजट है और उसमें युवाओं के लिए अपन आप कुछ संदेश नहीं देंगे। शराबबंदी की बात कही गई, उसके लिए बड़ा समर्थन मिला। शराबबंदी किस दिशा में है ये भी स्पष्ट नहीं है, सरकारी रवैया स्पष्ट नहीं है। तो ये कुल मिला के 3-4 चीजें जो हैं उसमें आप स्पष्ट रूप से आ रहा है। यदि तकनीकी दृष्टि से भी देखें तो देखिए, जैविक कृषि, जैविक स्टेट बनने की स्थिति में है हम लोग। हमारा बहुत सारा एरिया ट्राइबल इलाका में है, सुदूर ग्रामीण अंचल में है, जहां हम कम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, दूसरे चीजों का हम उपयोग कम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 30 करोड़ का प्रावधान चले आ रहा था पिछली बार से, तो उसको 15 करोड़ करने मुझे लगता है औचित्यपूर्ण नहीं है। इसी तरीके से समग्र कृषि विकास योजना, ऐसे अलग अलग मद है, 7 मद में 6 मदों में पूरी तरीके से राशि को घटाया गया है, वो तो आने वाले समय में और स्पष्ट होगा। लेकिन मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं कि इस बजट को और कल्पनाशीलता के साथ आगे लाया जा सकता था। आपने बिजली बिल हाफ कहा, 400 यूनिट, और 400 यूनिट तो भैया किसी का भी उससे ऊपर होता है, अब उसमें हाफ कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात? तो ये मुझे लगता है ये बिल्कुल ये हाफ वाली बात किसी के समझ में नहीं आ रही, किसी गले नहीं उतरेगी। कांग्रेसी विधायक हैं चंद्रदेव राय, पहली बार हालांकि विधायक बने हैं, कैसा लगा बजट? और इनकी जो बातें थी कि जो घोषणा पत्र में बातें थी उन सभी बातों पर अमल नहीं किया है, एक तरह से जैसे 400 यूनिट बिजली का ही हाफ करने, जबकि शुरू में ये स्पष्टीकरण नहीं था जन घोषणा पत्र में कि बिजली बिल हाफ, मतलब ये माना जा रहा था कि सभी का बिजली बिल हाफ होगा। देखिए, मैं तो पहली बार ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी
किस एंगल से देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की अपना देखने का नजरिया है, जबकि छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ की जनता इस बात से खुश है कि छत्तीसगढ़ की रहवासियों के लिए इतना बड़ा 1 लाख से ऊपर की टर्न ओवर की जो बजट गांव और किसान को समृद्ध और मजबूत कराने के लिए, पिछली सरकार की बात करें तो पूरी बजट नया राजधानी की ओर ले गई थी, पूरी नया राजधानी को डेवलप कराने में पूरी खर्च कर दी गई, जबकि यहाँ की जो गरीब वर्ग है, यहाँ की किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके हितों में कहीं कोई बजट नहीं, कहीं कोई समृद्ध करने की, सशक्त करने की इस दिशा में एक भी परिकल्पना नहीं। आज छत्तीसगढ़ के रहवासी चले गए थे, पहली बार है कि यहाँ की किसान पुत्र छत्तीसगढ़िया बेटा यहाँ का मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी, समर्थन मूल्य 2500 रुपया, यहाँ की रहवासियों के लिए बिजली बिल हाफ, प्रत्येक परिवार को 65 लाख परिवारों को 35 किलो चावल देने की बात, यहाँ की जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ा अन्नदाता वर्ग है, ऐसे लोगों को सम्मान देने जा रही है, इसको ये दूसरे एंगल से 200 रोपण लगाई जा रही है, बोनस नहीं दिए आप, पहले उसकी बोनस की तो बात करें, अभी बजट पहली बजट है और जन घोषणा पत्र में जो भी वादे हैं सब धीरे धीरे पूरा होगी और आगे समय है, ये तो जन घोषणा पत्र एक ही साल के लिए नहीं बनी है, 5 साल के लिए है और पूरी इस दिशा में काम हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी मंत्रिमंडल इस पर चिंतनशील है, एकाएक आदेश जो भूखंड, जो छोटी भूखंड थी जिसको आपने देखा होगा 5 डिसमिल जमीन जो गरीब वर्ग के लोग शहरों पर नहीं बना सकते थे, चाहे वो पंचायत कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, शहरों पर वो अपना एक छोटा सा मकान नहीं बना सकते थे, ऐसे बेंड लगा कर रखे थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने बेंड को हटाया है, एक गरीब आदमी भी अपना आशियाना बना सकता है, इस दिशा में सरकार छोड़ रही। अब बस्तर की बात करें, दंतेवाड़ा में गरीब लोगों के, आदिवासियों के जमीन को टाटा कंपनी अधिग्रहित कर ली गई थी, ऐसे जमीन को भी वापस दिलाने का काम किया है, पट्टा दिलाने का काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात गांव से जोड़कर सीधा नरवा गरवा घुरवा बारीक और पूरी योजना को गांव गरीब किसान के हित में काम करने जा रही है। हमारी सरकार की जो कार्य योजना को ये पचा नहीं पा रही है, पहली बार तो हारने के बाद बौखलाहट दिख रही है, अब जब योजनाएं जब गांव की ओर जा रही है तो इसमें छटपटाहट दिख रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूरी योजना जो गांव गाय की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, गौ माता की इन्होंने क्या किया, आज हमारी सरकार गाय के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके देखभाल के लिए गांव में 3 एकड़ जमीन गौ रक्षा के लिए एक गौठान के रूप में बनाई जा रही है, ताकि गाय की रक्षा हो सके, देखभाल हो सके और यहां की जो संस्कृति है वो यहाँ की परिकल्पना को, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी भी गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, इस दिशा पे काम कर रही है हमारी सरकार जी। जी बजट में आप कम से कम उनके तरफ से दबाव डालेंगे कि उनके निजीकरण का जो वादा किया था सरकार ने, 2 साल ऐसे शिक्षाकर्मी जिन्होंने 2 साल की सेवा की पूरी कर ली है उसके नियमितीकरण की बात सरकार ने कही थी, लेकिन बजट में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है और शिक्षाकर्मी संघ की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है, उन्होंने निराशाजनक बताया इस बजट को। देखिए आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की मौली हालत बहुत खराब है, पिछली सरकार की लगातार भ्रष्टाचारी, नान घोटाला से लेकर आप देखेंगे ऐसा कोई सी विभाग नहीं जहां घोटालों का राज ना हो, हर विभाग में घोटाला और इतनी बड़ी पूरी घोटाला की भेंट चढ़ गई। नया राजधानी को मैं घोटाले से जोड़ूंगा तो पूरी घोटाले पे घोटाले, अगर सही दिन से जांच करा दिए जाए तो सरकार एक कटघरे में खड़े नजर आएंगे। पूरी योजना को, रही बात शिक्षा कर्मी के सरकार चिंतनशील है, उस पर काम कर रही है, पिछली सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की है, उसके लिए बजट के लिए वेतन के लिए कोई राशि नहीं जारी की थी, इस सरकार ने उसके लिए वेतन के लिए पर्याप्त बजट रखी है और आने वाले माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है जो घोषणा पत्र है उसमें अमली जामे पहनाई जाएगी, उस पर लागू की जाएगी, उस पर त्वरित लागू की जाएगी। इस दिशा में पिछली बार अभी तो कर्जा माफी, समर्थन मूल्य इस दिशा पर बढ़ रहे हैं, किसान अब किसान पुत्र हैं, शिक्षा कर्मी उनके माता पिता को ऐसे भी 3 लाख 4 लाख उसकी कर्जा माफी में उनको लाभ मिला है। खैर हमारे शिक्षक साथी इस बात को जानते हैं, उनको लाभ मिला है किसानों की कर्जा माफी में, बिजली बिल हाफ में, 35 किलो चावल के परिवार में कहीं न कहीं लाभान्वित तो हुए हैं, खुश है, आने वाले समय में शिक्षा कर्मियों के हितों में बड़ा फैसला सरकार लेगी। चलिए चलिए, आपका कहना है कि जो
दूसरे निर्णय है उससे कहीं ना कहीं उनके साथी लाभान्वित हो रहे हैं और आगे उनको उम्मीद रखना चाहिए कि चूंकि सरकार ने जो वायदे किए थे उसमें ये नहीं कहा था कि अभी इसी साल तुरंत सरकार बनते ही करेंगे, जैसा कि उन्होंने कर्ज माफी के लिए 10 दिन का जो टाइम लिमिट रखा था उसको 2 घंटे में ही पूरा कर दिया था और उसके बाद कम से कम किसानों के लिए जो बड़े वादे किए थे वो तो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिस्ट नेता महापात्रा जी है, आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको बजट? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक भारी जन समर्थन के साथ ये सरकार सत्ता में आई है और पिछली सरकार में की जो दिशा थी वो दिशा जो है पूरी तौर पर जो है उद्योगपति पूंजीपति परस्त बजट की दिशा रही है। उस रोशनी में ये जो पहला बजट पेश किया गया, उस बजट में किसानों को और कृषि को जो संबोधित किया गया, ये हम समझते हैं कि ठीक है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन फिर भी हकीकत यह है कि जो ये 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट प्रावधान का जो कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान की बात की गई है, कर्ज माफी के बारे में जो उन्होंने वादा किया उसको अमल करने का जो दावा किया गया है, हम समझते हैं, और 2500 रुपए समर्थन मूल्य के घोषणा का जो उन्होंने दावा किया है उसको एक बड़े रूप में वो प्रचारित भी कर रहे हैं, ये सब ठीक है। इससे जो है कम से कम कृषि के प्रति जो है आपकी जो ध्यान है उसका रास्ता दिखता है। लेकिन असल बात यह है, हमें यह समझना है कि स्वामीनाथन आयोग ने समर्थन मूल्य पर जो C2 फॉर्मूला दिया है उसके आधार पर जो है ये केवल 2500 बोल के संतुष्ट होके इससे बड़ा कोई क्रांतिकारी बदलाव किसानों में आ जाएगा और किसान जो है सारी तकलीफों से मुक्त हो जाएंगे, ये समझदारी अगर कायम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से हमें समझना है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में ये कहा लागत मूल्य में 50% मुनाफा और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में जो परिवार किसानों का परिवार काम करता है उनका जो मिनिमम वेज है उसको शामिल करके जो है समर्थन मूल्य बनना चाहिए। तो इसलिए केवल 2500 आपने घोषणा कर दिया और इससे जो है सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ये कदम अच्छी बात है, लेकिन उसी के आधार पर एग्रीकल्चर में क्रांतिकारी रूपांतरण का अगर सोच समझदारी पैदा होता है तो हम समझते हैं वो ठीक नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से ये कर्ज मुक्ति का जो बात है जो प्रावधान बजट में किया गया, पहले जो है उन्होंने कहा केवल जो है कोऑपरेटिव्स के बैंक माफ किए, अब जो है उन्होंने कहा कि ये जो सवाल उठा था कि जो नेशनलाइज बैंक है उनके कर्ज माफी का क्या होगा, इस बार बजट में उसका इशारा किया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है जो इस बजट में नहीं है कि हमारे प्रदेश के हो या देश में किसानों की बढ़ती आत्महत्या और ये कृषि क्षेत्र में किसानों का जो कर्ज है उस कर्ज का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो साहूकार और महाजनी कर्ज का हिस्सा है। उससे मुक्ति के लिए हम बार बार ये कहते रहे हैं कि जैसे केरल में एक मॉडल तय हुआ, कर्ज मुक्ति आयोग बना और उसमें जो है ये साहूकारी और महाजनी कर्ज से भी किसानों को मुक्त करने के लिए कुछ कदम उठाने की बात की गई है, उस पर अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे और आप केवल 1 साल के लिए प्रावधान कर अगर ये समझ लेंगे कि किसानों को जो है आत्महत्या के क्षेत्र से बाहर ले आएंगे, हम समझते हैं वो भी निर्णय सही नहीं होगा। इस रोशनी में एग्रीकल्चर को, क्योंकि वो सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता का क्षेत्र है और इसमें ये जो बातें कही गई है कि धान का कटोरा प्रदेश था और वो जो है अब उसी प्रदेश के अंदर सबसे बड़े किसान आत्महत्या के रूप में ये जाना जाने लगा, और पिछली सरकार के राज में हमने देखा कवर्धा में मुख्यमंत्री के गृहनगर में, डोंगरगढ़ में, राजनांदगांव में मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र में किसान आत्महत्या करते रहे, सरकार आत्ममुग्ध होती रही, हम जो है अलग कृषि बजट पेश कर रहे हैं हमने किसानों के लिए, ऐसी आत्ममुग्धता ने किसानों को आत्महत्या के रास्ते पर ढकेला और धान के कटोरे वाले छत्तीसगढ़ को जो है एक विपरीत कृषि की रोशनी की ओर ढकेला। अगर अभी भी ये सरकार ये जो संबोधन दे रही है उसमें उनके जो बुनियादी प्रश्न है कि अगर आप समर्थन मूल्य 2500 कर रहे हैं, आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप जो है किसानों को कृषि क्षेत्र के लिए जो पंप है, खाद है, बीज है, सिंचाई की सुविधा है, अगर आप मान लीजिए 2500 समर्थन मूल्य करेंगे और जो नया GST का फॉर्मूला है GST के जरिए अगर पंप का कीमत बढ़ जाएगा या खाद बीज का कीमत बढ़ जाएगा, फर्टिलाइजर का कीमत बढ़ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट के जरिए इसके जरिए जो राहत नहीं देगी कोई, तो आपके इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नियमित रूप से अगर कृषि को संबोधित किए बिना छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। उस रोशनी में हम समझते हैं प्राथमिक रूप से ये जो पानी के कुछ छींटे डाले गए हैं
यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन केवल इन छींटों से ही अगर ये एक आभा मंडल तैयार होकर अगर आत्मबुद्धता अगर पैदा करने की कोशिश होगी तो गलत होगा। दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हमारे मिडिल क्लास, हमारे वर्किंग क्लास, ये शिक्षा कर्मी का वादा के बारे में कुछ नहीं कहा, यूथ, ठीक है आपने कौशल विकास योजना के बारे में कहा, आपने ये कहा कि जो है हम यूथ को जो है ट्रेनिंग देंगे और एम्प्लॉयमेंट के रास्ते, लेकिन आपने खुद कहा कि जो है उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उस पर कहीं कुछ नहीं है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, मध्याह्न भोजन के रसोइयों को आपने 1200 से 1500 किया, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, 1500 रुपए में क्या गुजारा होना है। आंगनवाड़ी में काम करने वाली हमारी जो लाखों बहनें हैं, उनके जो उम्मीद थी नई सरकार बनने के बाद, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर मांग कर रहे हैं 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन का, उसके बारे में कहीं कोई संबोधन नहीं है। हमारे प्रदेश के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स वो 96% है, ठेका मजदूर है, हमाल है, रेजा है, मंडी में काम करने वाले मजदूर हैं, सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले मजदूर हैं, स्टाफ नर्स के रूप में काम करने वाले मजदूर हैं, हमारे सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले मजदूर हैं। उन तमाम तबकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का जो कदम है वो इस बजट में दिखता नहीं है। और अगर आप कृषि को फोकस कर रहे हैं तो प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो आम मजदूर है, मेहनतकश है। 1 मई के दिन जब मुख्यमंत्री जो है बूंदी का लड्डू लेके हमारे चौड़ी में गए, जहां जो है रोज काम कमाने और खाने वाले मजदूर रहते हैं, तो एक नई आशा और उम्मीद जगी थी कि छत्तीसगढ़ की यह सरकार कम से कम जो है मजदूरों और मेहनत करके पसीना के बल पर जिंदा रहने वाले तबकों को इस बजट के जरिए जो है कुछ संबोधित करेगी, लेकिन उसका इस बजट में अभाव दिखता है और उस रोशनी में ये निराशाजनक है। और इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की सरकार को, मौजूदा सरकार को, जिनको इतना भारी बहुमत मिला, भाजपा की जो नव उदारवाद की नीतियों को लागू करने की कोशिश के खिलाफ, जो एक प्रदेश के अंदर एक छत्तीसगढ़ में दो छत्तीसगढ़ बन गया, एक छत्तीसगढ़ अमन सिंह का छत्तीसगढ़, रमन सिंह का छत्तीसगढ़, और दूसरा छत्तीसगढ़ कंगलू मंगलू बुधारू सालिक का छत्तीसगढ़, आदिवासियों और गरीब मेहनत कशों का छत्तीसगढ़, उसका जवाब चुनाव के वोट में मिला है, तो आत्ममुग्धता की कोई गुंजाइश नहीं है। मेहनतकश मजदूरों के हितों के अनुकूल बजट के अंदर जो घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए धरातल पर भी कदम उठाने की जरूरत है। और इसीलिए मनरेगा का जो आवंटन है 1541 करोड़ रुपया का, हम समझते हैं ये अपर्याप्त है। भाजपा ने जो है मनरेगा को कुंड बनाया, केवल 300 करोड़ रुपए का मजदूरी का भुगतान बकाया था उनके राज में, जनता ने सजा दी। मोदी जी ने कहा मनरेगा बोझ है, और जबकि हकीकत यह है मनरेगा ने ग्रामीण आबादी के बीच में रोजगार के नए अवसर पैदा किए। तो इसलिए शिक्षा के, आपने जो है बजट में कहा यूनिवर्सल हेल्थ केयर का बात किया गया, लेकिन उसका, उस यूनिवर्सल हेल्थ केयर का आधार क्या होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं। आपने कहा एजुकेशन आपका प्रायोरिटी है, लेकिन उस एजुकेशन में भी छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा के राज में आदिवासी क्षेत्रों में जो 3000 से ज्यादा जो है सरकारी स्कूलों को बंद किया गया, उनको बहाल करने के मामले में इस बजट में सरकार क्या कदम उठा रही है, उसके बारे में कोई घोषणा नहीं है। और साथ ही साथ प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो रिक्त पद हैं, उनमें भर्ती करने, नौजवानों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के मामले में भी बजट जो है उस हिसाब से संबोधित नहीं कर रहा है। इसीलिए संपूर्णता में हम कहेंगे कि पिछली सरकारों ने प्रदेश के अंदर जो अराजकता का और एक पूंजीपति परस्त रुख का रास्ता तय किया था, उसकी तुलना में इस सरकार ने नरवा गरवा की जो बात की है उसको किसी न किसी रूप में संबोधित करने की कोशिश की है, लेकिन वो अपर्याप्त है और उसमें कोई आत्ममुग्धता की गुंजाइश नहीं। चलिए चलिए, अभी 60 दिन ही हुआ, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद अभी नहीं करें, अगली बजट चर्चा करेंगे। तो आप फाजिल सर, आप शिक्षाविद हैं, आप यूथ के लिहाज से और शिक्षा व्यवस्था के लिहाज से, शिक्षा में 300 करोड़ रुपए दिया गया है, बहुत सारे स्कूल भवन और कॉलेज भवन, नए महाविद्यालय खोले जाने की भी बात हुई है, इसके अलावा कौशल उन्नयन पे जोर दिया गया, मुख्यमंत्री के भाषण को हमने सुना, आपको कैसा लगा इसको शिक्षा के सेक्टर में देखें? थैंक यू, आई थिंक अ टाइगर हैज स्प्लेंडर रोडिंग बजट, और आई थिंक एज पर हिज पर्सनैलिटी उन्होंने ये जो बजट दिखता है मुझे, जैसे कि शिक्षा को आपने कहा, इसके अलावा मुझे इसमें डायमेंशन दिखते हैं, डायरेक्शन दिखते हैं, थोड़े इनोवेशन दिखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन भी दिख रहा है मुझे, जैसे नरवा जो है ये नया एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं ये लोग, तो जो ये इनपुट कर रहे हैं इन्होंने, जो एक अच्छा बाप कौन है जो अपने सारे बच्चों को खुश करे, तो वही मुखिया होता है, ही सक्सेसफुली डूइंग दैट। इन्होंने जितनी जिंदगी छुई है किसानों को,
और टीचर्स को हर जगह पर उन्होंने छूने की कोशिश की है. तो ही हैज वेरी सक्सेसफुली बीन एबल टू टच एवरी लाइफ. तो ये बहुत बड़ी बात है. एक्सपेरिमेंटेशन है, डायरेक्शन है, डायमेंशन है और नया नई आयामों की कोशिश की जा रही है. पॉजिटिविटी है इस बजट में, क्रिएटिविटी है इस बजट में, कॉन्फिडेंस दिखता है, कॉम्पिटेंस दिखता है और ये क्रिएटिव भी है ये बजट, मुझे लगता है. आई फील दैट. एंड जो 15-20% का जो ग्रोथ शिक्षा में दिखाया है ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन अब एक सवाल उठता है कि हम मेहनत कर जब दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे. जानता हूं ठीक है, मगर अभी दैट द फर्स्ट बजट, वन ईयर है. मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो इस मार्ग पर सोच रहे हैं, सबके लिए सोच रहे हैं. दूसरी बात, अब सवाल उठता है लीकेज इन द बजट. बजट तो दे दिया, बाप ने अपने 5 बच्चों को पैसे बांट दिए हैं, लेकिन वो बच्चे उसका क्या क्या खरीदते हैं, कहां खर्च करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है. नाउ कम्स द व्हाट ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू टेक दैट. बजट बघेल साहब ने शेर दिली से पैसे बांटे हैं, अब ये ब्यूरोक्रेसी और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि इस बजट में कहीं लीकेज ना हो. जहां जहां पैसा दिया है वो पैसा वहां यूज हो. ये बजट इनपुट है, बजट बीज होता है. बीज को अच्छी मिट्टी, अच्छे खाद, अच्छे पानी, अच्छी मॉनिटरिंग, अच्छी स्किल, अच्छी क्षमता के साथ अगर लगाया जाए तो उसमें झाड़ उगेगा, फल उगेगा और ये बजट मल्टीप्लिकेटिव होगा, काफी फल देगा और काफी कुछ देगा, मुझे लगता है. आई थिंक दैट वे. चलिए धनंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, महापात्रा जी ने बहुत सारी बातें उठाई कि ठीक है कि पिछली सरकार की तुलना में बजट ठीक है, लेकिन इसमें आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है जैसे कि पिछली सरकार हो गई थी और इसमें आगे काफी कुछ किए जाने की जरूरत है. उन्होंने बहुत सारी बातें आपने सुनी है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मनोज जी, जो धर्म महापात्र जी ने सवाल जो उठाए हैं उनके सारे सवालों का जवाब इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दे दिया है. इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी में जो खेतों में काम करने वाले हैं उनका रोजगार के विषय में ध्यान रखना चाहिए कि धान का जो उपज मूल्य तय होता है उस मूल्य में उस जो मजदूरी करते हैं, जिस परिवार के जो लोग हैं, वो मजदूरी जुड़ना चाहिए. तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा को लेकर आया है. नरवा, घुरवा, गरवा और बारी के माध्यम से मनरेगा में जो काम जो करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कृषि में जो वहां पे उसके परिवार के सदस्य काम करते हैं उनको मनरेगा के माध्यम से भुगतान होगा. तो स्वामीनाथन कमेटी के जो मापदंड है उसको पूरा करते हैं हम लोग. दूसरी ओर जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मजदूरों को कुछ नहीं मिला है, तो हम प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल देने जा रहे हैं. जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यूनिट बनाई चल रही थी कि प्रति यूनिट 7 किलो दिया जाएगा, तो इसमें मजदूरों की सोच दिख रहा है. यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के माध्यम से मजदूरों के स्वास्थ्य की चिंता यहाँ पे है. शिक्षा के विषय में किया है और जो 3000 स्कूलों के बाद इन्होंने कहा कि बंद कर दिया गया है उनको फिर से लाना चाहिए. तो हमारी सरकार का मानना है और हम 200 स्कूल बनाने जा रहे हैं जिसमें हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और प्राथमिक स्कूल होंगे और जो सरकारी नौकरियों जो रिक्त पद खाली जो बैठा हुआ है. अभी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की तो कोई चर्चा नहीं अभी फिलहाल, बजट में है, बजट में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है. नहीं नहीं, बजट में है चर्चा. सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है और सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाया जाएगा है. इसमें 300 करोड़ का प्रावधान है. नहीं, आयुष्मान भारत तो वो है जो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर जिनको इलाज करना उन्होंने नकार दिया है. उस योजना का छत्तीसगढ़ की जनता को क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि आयुष्मान जो अगर योजना है, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में है, उसमें इलाज इन डॉक्टरों को करना है, वही इस योजना को नकार रहे हैं. तो इलाज तो डॉक्टर करेगा, कोई बढ़ाई तो नहीं करेगा उसका. तो बढ़ाई का काम बढ़ाई करेगा, डॉक्टर काम डॉक्टर करेगा. जिनको इलाज करना है उनको वो योजना नहीं चाहिए. तो निश्चित तौर पर हमने जो यूनिवर्सल स्कीम लेकर आया है वो सरकारी क्षेत्रों, सरकारी अस्पतालों में लागू होगा और उसे प्रशिक्षण होगा. उसमें अगर कोई बीमारी है उसको प्रशिक्षण की सुविधा होगी, उसमें अगर ब्लड लगता है तो ब्लड देने की सुविधा होगी, इलाज की पूरी व्यवस्था है और अंतिम तक पूरी दवाइयों की व्यवस्था यूनिवर्सल स्कीम के माध्यम से मिलेगा मजदूरों को और लगभग सभी वर्गों को मिलेगा. ऑल फॉर फूड की योजना है जिसमें सभी को मिलेगा. 1 रुपये किलो चावल जो बीपीएल कार्डधारियों को मिलेगा, उसके अलावा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 10 किलो के हिसाब से चावल मिलेगा. और रोजगार की हम बात करते हैं तो कौशल विकास योजना के माध्यम से हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं. नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के माध्यम से प्रत्येक गांव में 10 युवाओं को हम रोजगार देने जा रहे हैं. तो पहले चरण में हम अगर 4 लाख युवाओं को रोजगार देने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार की योजना है जो गरीबों को और जो युवा है उनको रोजगार मिले उसमें हम सफल हो गए हैं. और पूरी तरीका से जो बजट हमारा है बहुजन सुखा बहुजन हिता को प्रेरित है. नवा छत्तीसगढ़ और गढ़बो छत्तीसगढ़ को संकलित इसमें किया गया. आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की एक अच्छी भूमिका राष्ट्र में दिखेगी. ये स्पष्ट हो जाता है बजट माध्यम जी. आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि महापात्रा जी ने कहा कि असल में इस बजट की तारीफ तब होगी जब स्वामीनाथन आयोग
ने जो जो चिंताएं प्रकट की हैं कि जैसे इनपुट कास्ट बढ़ जाता है और उसके बाद फिर वही होता है कि रेट ज्यादा होने पे सही लाभ नहीं मिल पाता, क्या इस संबंध में आप भी काफी किसानों के पास घूमते रहते हैं और उनसे मिलते जुलते रहते हैं, आपने सच्चाई को स्वीकार भी किया था कि हम किसानों से किया वादा नहीं निभा पाए, और क्या क्या करना चाहिए सरकार को, क्या सुझाव है? देखिए, जहां तक सुझाव की बात है तो उसकी लंबी फहरिस्त, अपन कोई आज के डिस्कशन को भाषण में तब्दील नहीं करना चाहते, और हमारे मित्रों ने बहुत खुल के भाषण दिया, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, लेकिन कुल मिला के देखिये एक वित्तीय अनुशासन की बात आती है, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं अपन, यदि फिजिकल डेफिसिट पहले खराब होता तो आज ये इतना बड़ा बजट पेश नहीं कर सकते थे। आप पूर्ववर्ती सरकार की आप दुनिया भर की आलोचना कर लो, लेकिन धन्यवाद भी देना पड़ेगा कि आज राज्य के जो खजाने हैं, राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वो जिस रूप में रही है, इसीलिए आप 83,000 करोड़ से बढ़ाकर 91,500 समथिंग करोड़ का आपने बजट पेश किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये वित्तीय अनुशासन कहीं न कहीं जो FRDM के जो पालन किया गया है उसका एक असर है, और हम यदि अनाप शनाप खर्चा कर देते पहले से, जैसे हमारे एक मित्र ने कहा, नए नए हैं और नए लोगों का तो जोशी अलग रहता है, और हम तो उस शुभकामना देते हैं उसको मंत्री बना दे मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये बात सही है, कर्मचारियों के मामले में जो घोषणाएं और जो प्रचार हुआ था वो इस बजट में बिल्कुल शून्य है, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो चाहे कुछ हो, और शिक्षाकर्मी का संविलियन का बड़ा घोषणा जिसमें बहुत सारी वैधानिक पेचीदगियां थी उसको तो पूर्ववर्ती सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह ने कर दिया था, और 1,000 करोड़ का प्रावधान भी कर दिया था। और मैं यदि कहीं नौकरशाही की बात करूं तो आज जो स्कूल शिक्षा सचिव हैं उन्होंने ही ऑफिशियली कहा था कि इसका प्रावधान हो गया है, और जो अभी आज बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है, 1,000 करोड़ का प्रावधान हो गया था। इसके साथ साथ देखिए जो युवाओं को रोजगार वाला मामला है उस मामले में आपने पूरी तरीके से कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान करेंगे, आप 5 साल बीतने के बाद करेंगे क्या? नहीं, देखिए आप कुल मिला के देखिए दो साल का जो आप बोनस है वो बेकलाग है, और बेकलाग को पूरा करना जरूरी है, वो पहली प्राथमिकता में दिखना चाहिए, और इसीलिए मैंने तो कहा शुरुआत किस्तों में देंगे जो 2 साल का बकाया बोनस का किस्तों में नहीं कहा, बजट वादन पूरा शून्य है इस मामले में, ये सबक ये बेकलाग हुआ, ठीक है ना, बेकलाग तो है, अब बेकलाग का तो पूरा करो भैया, तब तो कहलाओगे। हाँ हाँ, ये देखिए मनोज जी, एक मिनट, ये पूरा बजट पॉलिटिकल कंपल्सन को ध्यान में रखते हुए कहा, कहां कहां इनकी राजनीतिक अनिवार्यता है उसको उन्होंने किया, और इसके साथ साथ चुनाव है इसलिए आप नया कर नहीं लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? आप शराबबंदी की बात शुरू कर रहे थे, आज क्यों चुप है भाई? आप इतना तो बता देते कि हम अगले उसमें करते, हम उसमें कौन कुछ प्रावधान लाते, कहीं भी स्पष्ट नहीं है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि इस बजट को और कल्पनाशीलता के साथ बनाई जा सकती थी, हड़बड़ी में लाया गया बजट है, लेकिन उसके बाद भी यदि किसानों को राहत मिलती है तो किसान और कृषि इस प्रदेश का धड़कन है, और वो धड़कन हमेशा चलना चाहिए। मैं सभी मित्रों के साथ इस मामले में संबद्ध करता हूं अपने आप। आपने वित्तीय अनुशासन की बात कही और फाजिल साहब ने भी कहा कि पैसा तो बहुत दिया, लीकेज को रोकना चाहिए, लेकिन अभी सरकार जो है उसका ये कहना था कि जरूर पिछली सरकारों में भारी भरकम बजट होता था, लेकिन उसकी बड़ी मात्रा जो है भ्रष्टाचार में बहुत सारे मामले आए। ये सारा चीज वही है, वही कर्मचारी है, वही नौकरशाही के अधिकारी है, वही सिस्टम है, वही फ्रेमवर्क है। आप यदि कोई आयोग बना के उसको ठीक करते, प्रोसीजरल जो और सिस्टम को आप पूरी तरीके से आप बदल देते तो आपकी बात अलग थी, आपको उन्हीं से काम करवाना है। आप चीज सेक्रेटरी को इधर से उधर कर दिए, अधिकारी को इधर से उधर कर दिए, कलेक्टर को उधर से इधर कर दिए, कलेक्टर के अधिकार में कहीं भी कटौती नहीं हुई है। आज भी आपको पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है कलेक्टर के ऊपर आश्रित है, कितने अधिकार उसको बनाए गए हैं। 1908 में कलेक्टर का एक पद सृजित हुआ था, उससे लेके आज तक 2018-19 में यदि देखा जाए तो उसके अधिकारों में 230% की वृद्धि हुई है। रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहता है? आपका जो
भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ जो अखिल भारतीय सेवा नियम क्या कहता है इसको भी एक बार देखा जाना चाहिए था। ये मुझे कहना है कि जो प्रोसीजरल लीकेज है उसके बारे में भी फोकस होना चाहिए, और मैं बहुत शुभकामना दूंगा हमारे नेतृत्वकर्ता मित्रों को कि वो इस मामले में यदि ठीक से अंतर्दृष्टि के साथ काम करें, लोगों के साथ जुड़कर काम करें। और बहुत प्रचारित हो रहा है जिन मुद्दों को लेकर कि ये एंट्री पॉइंट है विलेज का, यानी चिन्हारी की बात की जा रही, लेकिन उसके बाद उसके जो मार्केटिंग लिंकेज है उसको कैसे करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा, निवेदन किया है बहुत विनम्रता के साथ कि नरवा और घुरवा, नरवा गरवा घुरवा बारी के बाद कोठी कोठा कोठार की भी चर्चा होना चाहिए, ग्रामीण भंडारण की बात होनी चाहिए, गांव गांव में बीज बैंक की बात हो सकती है, और हमारे पशुधन को भी, जिसके लिए केंद्र ने कहा है कि हम एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाएंगे। और असंगठित क्षेत्रों की जब बात आई तो हम कहना चाहते हैं कि जो सेंट्रल का बजट है उसको भी यदि आप ठीक से इम्प्लीमेंट कर लिए यहाँ तो उस कमी को भी पूरा कर सकते हैं। कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी वहां पर काफी छुआ गया है, और डायरेक्ट बेनिफिट सपोर्ट, सीधे सीधे तेलंगाना का तर्ज तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन किसानों को यदि डायरेक्ट बेनिफिट सपोर्ट मिलता है तो उसका भी लाभ मिलेगा और इस प्रदेश के तो किसानों को मिलेगा। तो सीएम ने कहा है कि सभी जो जितने बेनिफिट स्कीम है सीधे खाते में जाएगी। जी जी। तो क्या लगता है, ये केवल इस साल के लिए है कि आगे भी करेंगे? आगे साल के लिए होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, पांच साल के लिए होना चाहिए। जी जी, एक जी। साल आप बैठ के, अब चूंकि अब लोकसभा चुनाव फेस करना है सबको, तो उसके लिए आप कर देंगे तो ये उचित नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले पांच साल के लिए पूरा करेंगे, इसकी प्रतिबद्धता हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को दिखानी चाहिए। ये मेरा कहना है, ये मेरा भाषण नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार भी है, आप पार्टी का व्यवस्था है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव की पीड़ा आदरणीय हमारे चंपू साहू जी के बातों में लग रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो बजट के माध्यम से सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक ओर किसानों का कर्जा माफ, दूसरी ओर बिजली बिल हाफ, तो मैं समझता हूँ भाजपा की बची खुची उम्मीद भी साफ हो चुकी है यहाँ पे। क्योंकि लाभ जनता को मिल रहा है, लाभ राज्य की सबसे बड़ी आबादी को मिल रहा है, किसानों के साथ यहाँ का युवा भी जुड़ा हुआ है, किसानों के साथ महिलाएं भी जुड़ा हुआ है, किसानों के साथ जो है सभी वर्ग जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जिस वर्ग को लाभ मिला है वो अपनी स्ट्राइक दिखाएंगे चुनाव में लोकसभा का। और भाजपा तो यहाँ साफ हो चुकी है, तो इनकी पीड़ा बहुत जायज है, क्योंकि विपक्ष है और विपक्ष धर्म बनता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा शराबबंदी की बात लोग नहीं करते, मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार ने 55 शराब दुकान बंद करने का निर्णय लिया है, ये शराबबंदी की ओर हमारा एक कदम है। और जो अध्ययन दल हमने बनाया हुआ है, क्योंकि समाज एक कानूनी मसला नहीं है, एक सामाजिक बुराई है, और सामाजिक बुराई के साथ साथ उसको हम खत्म करना पड़ेगा। तो जो अध्ययन दल हमने बनाया हुआ है, एक अध्ययन दल वो है जो शासकीय स्तर पर जाकर जहां शराबबंदी हुई वहां परिस्थितियों को जायजा लेगा, दूसरा दल जो है सच में सामाजिक लोग शामिल है, बुजुर्ग और शामिल, आप जैसे लोग भी शामिल है, उनकी भी राय मशवरा ली जाएगी। हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है जो आधी रात को उठे और जाके भाषण देते कि हमने नोटबंदी कर दिया, चाहे 150 लोगों की मौत हो जाती है, कई सारे बेटियों का विवाह नहीं हो पाता है, आर्थिक तंगी से देश गुजर रहा है। हम उस तरह का शराबबंदी नहीं करना चाहते हैं, हम शराबबंदी करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के हित के नागरिकों के लिए, और ये होगा। आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, युवाओं के हाथ में रोजगार भी होगा, किसान खुशहाल भी होगा, शराबबंदी भी होगी, और छत्तीसगढ़ चहुंमुखी विकास करेगा, जो 15 साल से छत्तीसगढ़ पिछड़ चुका है। इन्होंने कहा कि 83,000 करोड़ का बजट हमने बनाया था, फिर आपने को किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, आपने को बिजली बिल हाफ नहीं किया, आज हम 91,000 करोड़ के बजट बना के जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारे भंडारण में था, हमारे खजाने खाली नहीं हुई थी, तो आपका योजनाएं क्यों नहीं थी? तो स्वीकार कुछ दिन पहले कर चुके नहीं, तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है शराबबंदी पे कुछ बोल रहे हैं। एक शराबबंदी पर जब बात कही जा रही है कि सामाजिक बुराई है नीचे से, तो आप निम्न तबके से और आम तबके से अपेक्षा करते हैं कि वो शराब छोड़े? पहली बात तो ये पूरा मंत्री परिषद एक बार शपथ ले कि हम शराबबंदी की ओर इस प्रदेश को ले जाएंगे। पूरे आईएएस आईपीएस जितने आईआरएस और जितने और भी दूसरे एलाइट सर्विस के लोग हैं आईएफएस, इनसे शपथ पत्र भरवाई जाए। और सरकार कर सकती, इसमें क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है क्या? करें ना भाई, अब ये नहीं करेंगे तो हम 11 तारीख को बैठेंगे अब मंत्रालय के सामने।
नहीं निश्चित इनकी मांग मनोजी शराबबंदी बहुत बहुत अच्छी। मैं चंद्रशेखर साहू जी की बातों का समर्थन करता हूँ, शराबबंदी होनी चाहिए। और उन्होंने जो बातें कही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार कदम के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, विपक्ष अच्छी भूमिका निकालना चाहिए, क्योंकि शराब से पूरा प्रदेश तबाह हो रहा है। और प्रदेश जब तबाह हो रहा है उसके अगर कोई जिम्मेदार है तो रमन सिंह की सरकार जिम्मेदार थी, जो शराबबंदी की बात करके जो खुद शराब बेचने चले गए थे। और आज हमारी सरकार शराबबंदियों के अग्रसर हो चुकी है, इनको स्वागत करना चाहिए। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राज्य शराब मुक्त हो जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए चंद्रदेव राय जी से एक सवाल ले लेते हैं। आप युवाओं के प्रतिनिधि हैं, युवाओं से काफी युवाओं का आपसे काफी उम्मीद है, सरकार से काफी उम्मीद है। और जैसा कि कहा गया हमारे वक्ताओं द्वारा कि युवाओं के लिए वो सोच नहीं दिख रही बजट में, ऐसा इनका आरोप था। जो है कम्युनिस्ट नेता जो है उन्होंने भी कहा और चंपू भैया ने भी कहा, क्या क्या आपको क्या लगता है ये सरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ और करेगी, या आपके क्या सुझाव हैं यूथ के लिए और क्या करना चाहिए? देखिए मैं बताना चाहूंगा, जब आप खुद जान रहे हैं कि भारत देश की रीढ़ अगर किसी को कहे तो गाँव और कृषि और किसान यहाँ की रीढ़ है। अगर छत्तीसगढ़ की कहें तो छत्तीसगढ़ धान की कटोरा अगर जाने जाते हैं तो यहाँ की कृषि और किसान अगर समृद्ध होंगे, मजबूत होंगे। और छत्तीसगढ़ के 75 से 90% अगर बात करें, ओवरऑल सब किसान पुत्र हैं। अगर हमारे किसान वर्ग अगर मजबूत है, समृद्ध है, तो निश्चित ही उनका जनरेशन जो युवा है वो मजबूत होंगे, अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेजों में पढ़ेंगे और उसकी रोजगार का अवसर भी दिख रहे हैं। अभी नरवा गरवा घुरवा बारी की ओर भी सरकार ध्यान आकर्षित कराई है, काम करने जा रही है, नरेगा की ओर से बड़ी बजट इसमें रखी गई है, तो ये एक अच्छी परिकल्पना है। आने वाला समय तो पहला बजट है, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप देखते जाइए, युवाओं के लिए कॉलेज, यहाँ उद्योगीकरण के क्षेत्र में भी अच्छा काम होने जा रहे हैं। तो निश्चित ही ओवरऑल सबके तरफ से, मैं तो बोलूं यहाँ की युवा महिला बुजुर्ग सबके हितों में बड़ा फैसला ये जो है, और आने वाला समय में और इससे बेहतर होगा, क्योंकि एक बार कर्जा माफ हो जाएगी तो किसान का कर्जा अगर माथे से जो पसीना है, जो कर्ज से दबे हैं वो मुक्त हो जाएंगे, तो मानसिक रूप से वो क्या आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो एक स्वतंत्र रूप से खुले मन से ये कहना हो जाएगा कि कर्ज से अगर दबे हुए व्यक्ति को आप बोलोगे तो पहला चिंता उसका कर्ज है, तो कर्ज माफी हो गई तो समझ जाइए वो समृद्ध हो गए, सशक्त हो गए, वो भी हो रहे हैं। अभी तो सिंचाई कर्ज भी माफ की घोषणा कर दी गई है, सब तरह सीधी सीधी बात कर्ज माफी का है। मैं तो आदरणीय साहू जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किस कर्ज माफी की ओर क्यों उनका ध्यान नहीं गया, किसानों की ओर क्यों नहीं गया, वो सब स्वीकार करना चाहिए। जब वो और हम सब स्वीकार करते हैं, मैं नहीं था उस समय। नहीं नहीं, अभी सार्वजनिक तौर पे हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि किसानों के साथ बहुत गड़बड़ किए, इसलिए हारे हैं। ये वो बोल चुके हैं। एक और मुझे एक बात बता देता हूँ, इन्होंने रतन जोत के आपने नाम सुना होगा, बायो उसमें वो डीजल निकालेंगे और गाड़ी उस पर चलेगी, पटरी पर दिखेगी, डीजल की खपत कम होगी, पेट्रोल की, ये ऐसा रतन जोत रमन जोत ये इस दिशा की ओर बढ़ रही थी। हमारी सरकार तो किसानों को समृद्ध कराने के लिए, किसान को मजबूत की दिशा की ओर ले जाने के लिए अच्छी योजना ला रही है, जो गाँव की हमारी छत्तीसगढ़ की कल्चर रही है, नरवा गरवा घुरवा बारी, इससे हमारा पूरा समाज, इससे हमारा पूरा छत्तीसगढ़ इसी से परिकल्पना पर आधारित है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, माननीय भूपेश बघेल को इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जो किसान का बेटा किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। जी क्या इसने एक तो पर कैपिटा इनकम की बात आई, इसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण इस सरकार ने प्रस्तुत किया, उसमें आप पूरी बात देख लीजिए, जितने कंडिका है अधिकांश कंडिका में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो वर्तमान और जो स्थिति है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में भी, वो पूर्ववर्ती सरकार के जो भी कार्य निष्पादन है, समावेशी बजट है, उसके कारण हुई है। आप उसको एकदम से नकार देंगे, केवल राजनीतिक बात कह देंगे, उससे बात नहीं चलेगी। ये प्रदेश एक प्रकार से सामाजिक रूप से समरस प्रदेश है, यहाँ पर लोग एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, वो आगे कार्य भी करते हैं। आप कुछ ही राशि है मीसा बंदियों की, अरे उन लोगों ने भी उसके भी परिवार है, आप उसमें
0.0009 भी उसमें वो नहीं है, उसको आपने बंद कर दी। तो मैं और बंद हो गया और राजनीतिक सहिष्णुता का भी परिचय समय समय पर देना चाहिए, ऐसा मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है। और इस बजट डिस्कशन में जो मनोज जी ने हम सबको प्रेरित किया वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम सब के लिए एक मार्ग खुलेगा। देखिए मैं दो बात कहना चाह रहा हूँ। पहली बात ये जो दिल्ली की सरकार का ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का बात किया गया और किसानों के बारे में जो बात हुई, ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो है बहुत कुछ, ये भी है अपने हिसाब से बहुत बड़ा जुमलेबाजी है। पिछले 4.5 साल में केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो जुमलों का राज चला रही है, इस बार के बजट में वही जुमलेबाजी है। 500 रुपए किसानों को जो है आप भीख की सौगात दे रहे हैं, ये दूसरी बात। आप जो है 3000 रुपया जो है पेंशन की, आपने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का बात किया, आज जो मजदूर है वो 100 रुपया कटवाएगा और आज से 30 साल बाद जब रिटायर होगा वो 3000 रुपया मासिक पेंशन लेगा, उस समय आज से 30 साल बाद 3000 रुपया में चना मुर्रा भी नहीं आएगा। इसलिए जो है वो जुमलेबाजी के साथ का जो दौर है उसका सजा तो 2019 में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आप मोबाइल बांटते रहे और किसान जो है आत्महत्या करते रहे और अब उस रतन जोत रमन जोत बन गया और जनता ने आप किसानों ने आपको जोत दिया। और अभी जो है दिल्ली में ये जो जुमलेबाजी का खेल है उसका सजा आपको भोगना पड़ेगा। हम केवल वही कहना चाहते हैं कि जो पिछली सरकारों का के कार्यकाल के दरमियान जो जनता से वादा खिलाफी हुई उसकी सजा, अरे ठीक है ना, हम तो साफ होते हुए भी ब्रिगेड में 3 फरवरी को दिखा दिया हमने, लेकिन जो है आप जो है इस बार हाफ होने वाले हैं और आपके साथ जो है साफ भी होने वाले हैं। हम जो कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार को, हम कहना चाहते हैं भाजपा के रमन सरकार ने किसानों मजदूरों गरीबों मेहनतकशों के जो शोषण किया, केवल पर कैपिटा इनकम के आधार पर नवीन जिंदल का आय और कंगलू मंगलू का आय को जोड़ के जो है आपने पर कैपिटा इनकम को ग्रोथ का तस्वीर दिखाने की कोशिश किया, उस आईने से बाहर निकल के छत्तीसगढ़ में जो हकीकत है उसको जो एड्रेस करने की कोशिश किया है इस बजट में, उसमें कहीं हम बार बार कह रहे हैं आत्ममुग्धता की गुंजाइश नहीं है। अगर आप सही मायने में जन घोषणा पत्र को अमल करना चाहते हो तो प्रदेश की बहुसंख्य जनता के हितों के अनुकूल जो प्रॉमिस आपने किया, जो बजट प्रावधान आपने किया, उस पर अमल पर भी आपको सोचना है। आप पहले कहेंगे बिजली बिल हाफ और 400 यूनिट तक का बंदिश लगाएंगे, हम समझते हैं अनुचित। चलिए तो कुल मिलाकर आपने सभी मेहमानों को सुना, सभी ने शुरुआत में इस बात को माना है कि निश्चित तौर पर जो कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र में अपनी जो बड़ी बातें कही थी उसको पूरा करने की दिशा में कदम उठाया है। कुछ राजनीतिक आरोप जरूर लगे कि बहुत सारे और भी वायदे हैं, लेकिन सरकार ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि ये उनके 5 साल के घोषणा पत्र है और 5 साल के दौरान ये सभी वादे पूरे किए जा सकते हैं। एक साथ पहले अभी मुश्किल से शपथ लिए 2 महीने भी नहीं हुआ है और ऐसे समय में इतना ज्यादा अपेक्षा भी ठीक नहीं है। और शुरुआती तौर पे जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे उन वादों को काफी हद तक पूरा किया है। ग्रामीण विकास पर जो जोर देने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी, जो नरवा गरुआ घुरुआ और बाड़ी की बात कही थी, उस दिशा में कदम बढ़ाया है। तो अभी इतनी जल्दी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अभी जो फिलहाल आज बजट पेश होने के बाद जो गांवों से हमने रिपोर्ट्स मंगाई थी उसमें सभी तरफ से बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई और किसान जो है निश्चित तौर पर इस नई सरकार से बेहद खुश है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी सरकार की ये दिशा और दशा बरकरार रहेगी। वापस चलते स्टूडियो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और हमारे तमाम मेहमानों का बजट पर, बघेल के बजट पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ जनता मांगे जवाब में आज बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।